तो गाइस पिछली कुछ वीडियोस से ना तुम लोग थोड़ा सा ठंडे पड़ते दिख रहे थे मुझे, तो मैंने सोचा इस बार वीडियो थोड़ी सी झटकेदार बनानी पड़ेगी एंड इसलिए मैं तुम लोगों के लिए तुम्हारी फेवरेट एंड्रॉइड घातक ऐप्स की सीरीज का एक नया एपिसोड लेकर आया हूँ। और भाई साहब अब की बार इतनी कमाल की ऐप्स लाया हूँ ना कि तुम लोग देखते ही चौंक जाओगे। ऑलराइट, सो इस लिस्ट का जो हमारा पहला एप्लीकेशन है ये है वॉइस एक्सेस। और ये जो एप्लीकेशन है ये गूगल का ही एक फीचरल ऐप है जो कि अभी तक नेटिव एंड्रॉइड में नहीं आया है, बट ये ईज ऑफ एक्सेस के लिए बनाए जिससे कि आप अपने डिवाइस को, अपने फोन को पूरी तरह से अपने वॉइस कमांड से एक्सेस कर सकते हो। इस ऐप को यूज करके ना आपको अपने डिवाइस में अगर कोई भी एप्लीकेशन लॉन्च करवाने से लेकर आपको अगर कोई भी पर्टिकुलर एरिया में कोई भी एक टच इनपुट रजिस्टर करना है या मे बी आपको स्वाइप स्लाइड कुछ भी करना है तो वो सारी चीजें इस ऐप से पॉसिबल है। एंड इससे पहले कि मैं आप लोगों को इस ऐप के ज्यादा फीचर्स के बारे में बताऊं, मैं आपको एग्जैक्टली एक छोटे से डेमो के साथ ये बता देता हूं कि इस ऐप से आप एग्जैक्टली क्या क्या कर सकते हो। ओके गूगल, वॉइस एक्सेस शो ग्रिड 11 8, गो होम, रिमूव ग्रिड, क्रोम, न्यू टैब, सर्च एनरिके ग्लेशियस 1, सर्च, स्क्रॉल डाउन, वॉल्यूम अप, गो होम, स्वाइप अप, स्वाइप अप, फाइल मैनेजर, स्टोरेज। सो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा मैं अपने फोन को पूरी तरह से अपने वॉइस कमांड से ही एक्सेस कर पा रहा हूं एंड ये बिल्कुल इतना स्मूथली हो रहा है ना कि मुझे ये चीज फील ही नहीं हो रही है कि मुझे अपने हाथ से अपने स्क्रीन को टच करने की जरूरत है। और देखो बहुत सारे सिनेरियोज में ऐसा होता भी है कि मान लो कि आप अपने फोन को टच नहीं कर पा रहे हो, ऐसे में ये जो वॉइस एक्सेस का फीचर है ना ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल एंड कमाल का फीचर है जो कि फिलहाल के लिए गाइस आप अपने किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस में बहुत ही इजीली यूज कर सकते हो। बस आपको ये ऐप अपने फोन में इंस्टॉल कर लेनी है एंड प्रोसेस है वो काफी ज्यादा सिंपल एंड इजी है। वैसे अगर वीडियो अभी तक पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, ये चीज नहीं भूलनी है तुम्हें, वीडियो को लाइक कर दो। एंड अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार ताकि इसी तरह का कंटेंट आप लोगों को फ्यूचर में भी मिलता रहे। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है वो लोग जो सब्सक्राइब बटन के पास बेल नोटिफिकेशन का आइकन है ना उसको ऑल पे सेट कर दो। उसको ऑल पे सेट करोगे तो मैं जब भी फ्यूचर में कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी। अब देखो काफी बार ऐसा होता है कि हम कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, या फिर हम किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं जहां पे किसी कंटेंट को एक्सेस करने के लिए वो हमसे कहता है कि हमें वहां पे फ्री में साइन अप करना है। अब देखो साइन अप करना वहां पे कोई बड़ी बात नहीं है और ना ही वो कोई ऐसा मुश्किल प्रोसेस है, बट वहां पे प्रॉब्लम यह आ जाती है ना कि वहां पे आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना होता है। और कई बार क्या होता है कि देखो हमारे पास एक दो ईमेल एड्रेस होते हैं, हम वहां पे जानबूझ के ईमेल एड्रेस नहीं डालते क्योंकि फिर हमें स्पैम ईमेल्स आएंगे या न्यूज़लेटर्स वगैरह मिलते रहेंगे, ये काफी इरिटेटिंग हो जाता है और आपकी ईमेल एड्रेस के अंदर ना कचरा भर जाता है एक तरह से देखा जाए तो। तो ऐसे में गाइस आप टेम्प मेल इस ऐप को यूज कर सकते हो। देखो ये एक काफी पुरानी वेबसाइट है, काफी फेमस वेबसाइट है जो लोग काफी ज्यादा यूज भी करते हैं, बट अब इनका जो ऐप है वो भी लॉन्च हो चुका है। तो अब देखो टेम्प मेल में क्या होगा ना कि आपको यहां पे एक कोई भी रैंडम टेंपरेरी ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है, आप जितनी बार इसको रिफ्रेश करोगे उतनी बार आपको नए ईमेल एड्रेसेस मिलेंगे। एंड अगर आप चाहो तो किसी भी ईमेल एड्रेस को यहां से कॉपी कर सकते हो, कॉपी करने के बाद आप किसी भी एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट में जहां पे आपको कोई ईमेल एड्रेस डालनी है बट आप अनश्योर हो कि क्या आपको अपनी रियल ईमेल एड्रेस वहां पे डालनी है या नहीं, आप वैसे एक बार टेस्ट करना चाहते हो उस एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट को, तो वहां पे आप इस ईमेल एड्रेस को, इस टेंपरेरी ईमेल एड्रेस को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। एंड अगर वहां पे मान लो कि वेरिफिकेशन भी होता है आपके ईमेल का, यानी कि अगर वो आपके ईमेल पे एक वेरिफिकेशन कोड भी भेजता है तो वो कोड भी आपको इस ऐप के अंदर मिल जाएगा, यानी कि आप अपने ईमेल एड्रेस को वेरीफाई भी कर सकते हो। मे बी समटाइम्स वो कोई लिंक भी भेज देते हैं वेरीफाई करने के लिए जिस पर क्लिक करके आपको वेरीफाई करना होता है कि आप ही का ईमेल एड्रेस है या नहीं, तो वो चीज भी आप इस ऐप के अंदर कर सकते हो। बहुत ही यूजफुल ऐप है ये अगर आप इस तरह की कोई भी फ्रीक्वेंट वेबसाइट पर विजिट करते हो या मे बी कोई नई नवेली ऐप
ट्राई करते हो जिसमें ईमेल एड्रेस वगैरह आप डालने पड़ते हैं, तो ऐसे में ये ऐप आपके बहुत ही ज्यादा काम आएगा। अब देखो गाइज, हम लोग ना ऑन अ डेली बेसिस कितने सारे अमेरिकन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यूज करते हैं। थिंक अबाउट इट, सीरीज में नेटफ्लिक्स पे देखता हूँ, रिसर्च गूगल पे करता हूँ, फेसबुक तो है ही। आई एम श्योर आप में से भी काफी सारे लोग ना इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते होंगे, बट वॉट अबाउट अमेरिकन स्टॉक्स? मैं आप लोगों को तीन बड़े रीजंस बताता हूँ कि क्यों आप लोगों को यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहली चीज है हायर रिटर्न्स। देखो, जहां इंडिया का निफ्टी 50 पिछले 10 साल में 177% इंक्रीज हुआ है, वही यूएस का नैस्डैक 508% इंक्रीज हुआ है। नंबर टू, रुपी वीकनिंग टू द यूएसडी। देखो, 2011 में ना $1 के मुकाबले रुपी 47 था अप्रोक्सीमेट, और 2021 में $1 के मुकाबले रुपी 74 है। सो स्टॉक अप्रिसिएशन के साथ आपको रुपी डेप्रिसिएशन का फायदा भी मिलेगा। तीसरा रीजन है फ्रैक्शनल शेयर। अब देखो, जहां इंडिया में आपको एक कंपनी का पूरा स्टॉक बाय करना पड़ता है, यूएस स्टॉक मार्केट में आप फ्रैक्शनल शेयर खरीद सकते हैं, यानी कि एक शेयर का एक छोटा सा हिस्सा। सो जो ऐप मैं यूज करता हूँ यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, वो है IND मनी। इसको सब सुपर मनी ऐप भी बोलते हैं, एंड आई फुली एग्री विद इट। इस ऐप से आप इजिली यूएस स्टॉक्स खरीद सकते हैं। आपको बस डिस्क्रिप्शन की लिंक से IND मनी ऐप को डाउनलोड करना है और अपना यूएस स्टॉक अकाउंट इसमें सेटअप कर लेना है। इट्स ऑल फ्री, स्टॉक के बाइंग एंड सेलिंग पर कोई कमीशन नहीं है, पूरा अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस बिल्कुल पेपरलेस है, जीरो अकाउंट ओपनिंग और जीरो मेंटेनेंस फी है। अपने यूएस स्टॉक्स अकाउंट में पैसे डालने के लिए भी कोई फ्लैट फी चार्ज नहीं होती। आप इसमें ओवर 4500 कंपनीज के स्टॉक्स चूज कर सकते हैं, एंड इस ऐप में आप इजीली स्टॉक्स के परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हो। बस स्टॉक सिलेक्ट करिए एंड परचेज करिए, और बिकॉज आपको फ्रैक्शनल शेयर का ऑप्शन मिलता है, तो ये रिटेलर इन्वेस्टर के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। आप विदाउट एनी चार्ज 10,000 या फिर 20,000 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन की लिंक से IND मनी को डाउनलोड करिए और अपने फाइनेंशियल जर्नी को ट्रांसफॉर्म कीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है, ये है एक्टिविटी बबल, और ये देखो एक सिंपल सा ना वॉलपेपर ऐप है। ये वॉलपेपर ऐप क्या करता है कि देखो, जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल आप इसको जैसे सेट करोगे अपने लाइक डिवाइस के होम स्क्रीन पे, तो ये ना पूरा ब्लैंक होगा, यानी कि पूरा ब्लैक होगा, और उसके बाद जैसे जैसे पूरे दिन में आप अपने फोन को लॉक करके फिर से अनलॉक करोगे, तो यहाँ पे ना बबल्स ऐड होते जाएंगे, यानी कि ये एक तरह से आपको दिखा देगा कि आपने अपने फोन में ना कितनी बार उसकी स्क्रीन को लॉक या फिर अनलॉक किया है। लाइक डिजिटल वेलबिंग आपको पता ही है, जो कि आपको दिखाता है कि आपने कितनी बार अपने स्क्रीन को अनलॉक किया है, तो ये भी कुछ उसी तरह के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जो कि एक वॉलपेपर ऐप है, बट यहाँ पे आपको बबल्स देखने को मिलेंगे। जब भी आप अपने फोन को लॉक करके फिर से उसको अनलॉक करोगे, तो एक नया बबल ऐड हो जाएगा, एंड दिन के एंड में ना काफी इंटरेस्टिंगली यहाँ पे काफी सारे बबल्स इकट्ठे हो जाएंगे, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपने अपने फोन को कितनी बार लॉक करके फिर से अनलॉक किया। यानी कि हर दिन एक नई शुरुआत होगी, पूरा जो यू नो आपका जो बैकग्राउंड है, जो वॉलपेपर है, वो पूरी तरह से कंप्लीटली ब्लैंक होगा, एंड देन पूरे दिन में जितनी भी बार आप इसे अनलॉक करते रहोगे, उतनी बार नए जो बबल्स हैं वो ऐड होते रहेंगे, एंड जितनी बड़ी आपकी एक्टिविटीज होंगी ना, उतने ही जो बबल्स हैं वो बड़े बनते जाएंगे। तो काफी लाइक यूनिक सा वॉलपेपर ऐप है, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। अगर आप लोग भी इसे एक बार ट्राई करके देखोगे, तो आपको भी ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। अब देखो गाइस, अगर आप लोग थोड़े से भी कस्टमाइजेशन के शौकीन हो, एंड अगर आपको अपने डिवाइस के स्टेटस बार या फिर नोटिफिकेशन पैनल को कस्टमाइज करना है, तो सुपर स्टेटस बार से ज्यादा बढ़िया एप्लीकेशन आपको फिलहाल तो नहीं मिल सकती। इस ऐप से ना आप अपने पूरे यू नो स्टेटस बार को मॉडिफाई करके उसमें कस्टम स्टेटस बार ऐड कर सकते हो। यहाँ से आप जेस्टर्स ऐड कर सकते हो, जिससे कि आप ब्राइटनेस एंड वॉल्यूम कंट्रोल पैनल को यू नो इजीली स्लाइड करके चेंज कर पाओगे। काफ़ी सारे अदर एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, जैसे अगर आप स्टेटस बार में जाओगे, तो यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ स्टेटस बार मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों को एंड्रॉयड 10 का स्टेटस बार चाहिए, आपको वो मिल जाएगा। iOS स्टाइल का स्टेटस बार यहाँ पे अवेलेबल है, One UI, MIUI, इसी तरह से काफ़ी सारे कस्टम स्टेटस बार आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जिन्हें आप काफ़ी डीपली मॉडिफाई भी कर सकते हो। यानी कि अगर आपको मान लो कि आइकन में कुछ चेंजेस करने हैं, या फिर कलर में कुछ एडजस्टमेंट करना है, या फिर स्टेटस बार की हाइट में एडजस्टमेंट चाहिए, तो वो आप यहां से बहुत ही ज्यादा इजीली कर सकते हो। देन उसके बाद यहां पे एक जस्टर्स का फीचर है, जहां से आप इजीली यहां पे सिंगल टैप, डबल टैप या फिर लॉन्ग प्रेस, स्वाइप लेफ्ट, स्वाइप राइट के लिए डिफरेंट जस्टर्स ऐड कर सकते हो। जैसे अगर आप चाहते हो कि सिंगल टैप पे आप कोई ऐप लॉन्च करवाना चाहते हो, तो वो भी पॉसिबल है। डबल टैप पे अगर आप अपनी स्क्रीन को यू नो ऑफ करना चाहते हो, स्क्रीन को लॉक करना चाहते हो, तो वो भी यहां पे पॉसिबल है। एंड काफी सारे अदर आप लोगों को यहां पे मेन स्लाइडर फीचर्स मिल जाते हैं, जहां से आप इजीली अपने यू नो स्टेटस बार पे स्लाइड करते हुए ब्राइटनेस या फिर मीडिया वॉल्यूम या फिर आपकी जो रिंग वॉल्यूम है उसे कंट्रोल कर सकते हो। यहां पे ट्रिगर टेक्स्ट का ऑप्शन है, जिससे क्या होगा कि अगर आपको किसी भी ऐप से मान लो कि कोई भी नोटिफिकेशन आती है, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल आपको व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया और वो काफी बड़ा मैसेज है, तो
यूजुअली क्या होता है जनरली कि आपको वो जो पूरा मैसेज है वो अपने स्टेटस बार पे शो नहीं होता, ठीक है। बट अगर आप इस फीचर को यूज करोगे ट्रिकर टेक्स्ट, तो ये क्या करेगा कि जो पूरा आपका मैसेज है, अगर व्हाट्सएप पे कोई बड़ा मैसेज आया और वो काफ़ी लाइक यू नो बड़ा मैसेज है, तो वो पूरा यहाँ पे आपको स्टेटस बार में शो करेगा, यानी कि वो स्लाइड होता रहेगा, एंड उसी तरह से आप इस पूरे मैसेज को यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद गाइस काफ़ी एक्स्ट्रा फीचर्स हैं इसके अंदर, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को स्मूथ ब्राइटनेस का ऑप्शन चाहिए वो भी पॉसिबल है, अगर आपको नॉच कैपेबिलिटी में कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं तो वो भी आप इसमें कर सकते हो। नेक्स्ट एप्लीकेशन है 1DM, और एंड्रॉयड ओएस के लिए ना ये सबसे बेस्ट डाउनलोडर ऐप है, जिसकी हेल्प से आप लाइक किसी भी वेबसाइट से जहां पे चाहे डाउनलोडिंग का ऑप्शन ना भी हो वहां से भी आप कंटेंट को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके पास कोई टॉरेंट फाइल या फिर उसकी मैग्नेटिक लिंक है तो उसे भी आप यहां पे पेस्ट करके उस फाइल को बहुत ही इजीली इस ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। ये देखो एक ऑल इन वन डाउनलोडर ऐप है, ठीक है। आप टॉरेंट फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो, इसके अंदर एक इनबिल्ट ब्राउजर भी है जिसमें जाके अगर आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हो, कोई भी वेबसाइट हो चाहे, और वहां पे अगर मान लो कि कोई भी इमेज है, वीडियो है या फिर कोई भी दूसरी फाइल है जो डाउनलोडेबल अगर ना भी हो ना, फिर भी आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा जिस पर क्लिक करके आप उस फाइल को ना बहुत ही इजीली अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हो। अब देखो एडवांस डाउनलोड मैनेजर जो कि लाइक विंडोज पीसी में काफी सारे लोग यूज करते हैं, अगर आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत भी पता है तो आप इस ऐप को भी बहुत ही इजीली समझ जाओगे कि यह एक्चुअली करता क्या है। ये ना काफी सारे लाइक यू नो कमाल के काम कर सकता है, जैसे कि ये ना कंप्रेस्ड यानी कि जो zip फाइल्स होती हैं उन्हें डाउनलोड कर लेगा, ऑडियो वीडियो या फिर जो भी यानी प्रोग्राम्स या फिर अदर फाइल्स हैं वो सारी फाइल्स ये बहुत ही इजीली डाउनलोड कर सकता है। एंड अगर आपके फोन में ये ऐप नहीं है तो आई मस्ट से कि गाइस तुम लोग एक बहुत ही बढ़िया ऐप मिस कर रहे हो, ठीक है। तो इस ऐप को इंस्टॉल कर लो, एंड उसके बाद से अगर मान लो कि कुछ भी फाइल आपको डाउनलोड करनी है सीधा इसके ब्राउजर में जाओ, वो लिंक पेस्ट करो और डायरेक्टली उस फाइल को डाउनलोड कर लो। सो दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो रिमेंबर इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, एंड गाइस डिस्क्रिप्शन के लिंक से INDMoney को भी डाउनलोड करके उसमें अपना US स्टॉक अकाउंट ओपन कर लेना। जब हम हर दिन इतने अमेरिकन प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो इन कंपनीज के स्टॉक्स क्यों ना परचेज करें, राइट। INDMoney को ना ओवर 1.5 मिलियन इंडियन यूजर्स यूज करते हैं, तो आप भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ ट्रांसफॉर्म करिए, इस ऐप को जरूर डाउनलोड करना, एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपका कोई फेवरेट एप्लीकेशन है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आया तो उसका नाम मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड गाइज अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो वहां पे भी मैं काफी एक्सक्लूसिव कंटेंट अपलोड करता हूं, तो मेरे जो इंस्टाग्राम की लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे क्लिक करके आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। एंड मेरे इंस्टाग्राम के बायो में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी जहां से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, आई विल कैच यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस।